सिवान में लोकसभा चुनाव के बाद अपराध एक बार फिर से बढ़ गया है। और आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं सिवान के रामराज मोड़ पर, जहां पर कल लगभग 5 बजे के करीब श्याम बाबू नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। और हत्या उनके घर के ठीक सामने, जब वो अपने दुकान पर बैठे थे, उस वक्त की गई। आप देख सकते हैं हमारे सामने का ठीक नज़ारा दिखा रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं वो सभी दुकानें रामराज मोड़ की बंद है और काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है। बताते चले कि इसके पूर्व में भी श्याम बाबू पर हमला किए गए थे और प्रशासन को सूचना दी गई थी, मामला भी FIR दर्ज हुआ था, लेकिन शायद प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और कल फिर अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के बाद श्याम बाबू के भाई से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने यह कहा कि यूसुफ की जो हत्या की गई थी लगभग 4 से 5 महीने पूर्व, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का काफ़ी करीबी था, उसी का चश्मदीद गवाह थे श्याम बाबू और शायद इसी को लेकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी सिवान के SP कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, जो कि चश्मदीद गवाह की बात होने की बात बताई जा रही है। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि इधर का नज़ारा आप दिखाएं कि तमाम दुकानें यहां पे फिलहाल बंद हैं और लगभग 11 बज रहे हैं और काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ये एक टाउन का इलाका है, काफ़ी यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज जो है काफ़ी सन्नाटा है। और उसके हम दूसरी तरफ दिखाएंगे, आप इधर दिखा सकते हैं कि ये श्याम बाबू का घर है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि यही श्याम बाबू का वो घर है जहां पे लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं और शायद जो नमाज के बाद से जो इनके जो शव को है वो ले जा करके और फिर दफनाया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद है सैयद माजरफी, जो स्थानीय यहाँ पर निवासी भी है। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ और अब अपराध का ग्राफ बढ़ गया, दिन दहाड़े सरेआम अपराधियों ने एक श्याम बाबू नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं कि इस पौष भरे इलाके में, जो शहर का एक सबसे पौष इलाका है, व्यवसायिक स्तर से देखा जाए चाहे शहर के स्टेशन रोड के पास है, और ऐसे में दिन दहाड़े किसी व्यवसायी की हत्या हो जाती है तो इससे आम जनता कितनी सुरक्षित है ये तो सोचने की बात है। एक हम लोग ये चाह रहे थे कि सिवान हमारा बदल रहा है, क्योंकि जिस तरह आम चुनाव जो हुआ अभी, बहुत ही जो सिवान जिसके लिए बदनाम था, शांतिपूर्वक ढंग से कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, तो एक दिल हम लोगों का खुश हुआ कि चलिए हमारा सिवान बदल रहा है। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन के बाद एक घटना घट जाती है, जो एक व्यवसायी अपने दुकान पे बैठा रहता है और शहर का सबसे पौष इलाका इसको मानिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग है, आप देख रहे हैं कोचिंग चलता है, यहाँ कम से कम एनी टाइम 5,000 से 10,000 लोग रहते हैं, बगल में विशाल मेगामार्ट है, सब लोगों को स्टेशन जाना होता है गाड़ी उड़ी पकड़ने के लिए। तो इससे ये है कि प्रशासन को मुस्तैद रहना होगा, प्रशासन की कहीं ना कहीं विफलता है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घट गई और अपराधी आराम से चले गए। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि रोड पर गाड़ी चेकिंग लगाई जाए, जो शहर के नामी जो अपराधी हैं उन लोगों पर फिर से नकेल कसा जाए, तभी जाकर के फिर मेरा सिवान अमन और सुकून का होगा। नहीं तो जब एक किसी व्यक्ति के दरवाजे पर हत्या हो जाएगी तो आम नागरिक और आम जो यहाँ के जो जनता है उसके घर में लोग घुस करके मारने लगेंगे, अगर अपराधी का मनोबल बढ़ने लगेगा तो कल मीडियाकर्मी पर हमला होगा। आपको मालूम है कि इसी मई महीने में इसी रोड में, ये रोड तो समझ लिए कि एक महनूस रोड हो गया। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने जब इस बात को उठा दिया कि ये जो जोन है, ये शांति बट ब्रिक्स से लेकर के और स्टेशन रोड तक DAV मोड़ जो है, ये जोन काफ़ी अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है, क्योंकि राजीव रंजन की हत्या हो, तवरेज की हत्या हो, श्रीकांत भारती की हत्या हो, राजीव रोशन की हत्या हो, कई अनेकों हत्याएं हैं इसी जोन में, इसी इलाके में हो रही है, इसे आप क्या मान रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा, इस तरह की घटना को अंजाम यहीं दिया जा रहा है? देखिए, एक्चुअली है क्या कि ये काफ़ी, मतलब ये तो बिजी स्थल है, लोगों को शक नहीं होता है, लोग जो अपराधी होते हैं स्टूडेंट के रूप में आते हैं, हथियार लेकर के आते हैं और आसानी से काम करके चले जाते हैं। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि सबसे पहले या तो यहाँ एक चेक पोस्ट बना दिया जाए दोनों तरफ, या तो नहीं तो 5-5 का फोर्स यहाँ रख दिया जाए दोनों तरफ, क्योंकि आसानी से हत्या करके ब्रिज के रास्ते इधर रेनुआ के तरफ या हथौड़ा के तरफ निकल जाते हैं या जिप्सी कैफे के माध्यम से कहीं निकल जाते हैं। क्योंकि हमारे परम मित्र रहते हैं राजदेव रंजन जी, उनकी इसी महिमा में हो गई यूसुफ हत्याकांड, वो भी मेरा ठीक है, दूसरे दल के लोग थे वो चीज़, लेकिन एक संबंध मेरा बहुत अच्छा क्लोज था, उसकी भी यहीं पर हत्या हो गई। वो क्या नाम है, वो जो राजीव रोशन है उसकी हत्या हो गई, तबरेज की हत्या हो गई। तो ये एक तरह से, हाँ, ये सेफ जोन हो गया है,
इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा, या तो सीसी कैमरा यहाँ सबसे पहले या तो आप अपने माध्यम से लगाइए, और नहीं तो यहाँ चेक पोस्ट बनाने की अति आवश्यकता, नहीं तो आए दिन और बड़ी घटना घटेगी, जैसा कि अब शुरुआत हो चुकी है। मतलब कि अभी आपको संदेह है कि घटनाओं अपराधियों द्वारा इस तरह की ताबड़तोड़ घटना, एकदम निश्चित हत्या होगी, इसलिए कि देखिए अपराधी का मनोबल बढ़ता है ना, अपराध कर्मी पर जब नकेल कसाता है तो होता क्या है कि अपराधी शहर छोड़ करके भाग जाते हैं, या तो उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जब उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जब ये सेफ जोन हर अब मई महीना खास करके मानूस है, क्योंकि मई महीना में भी उनका हत्या हुआ था और राजदेव जी का हत्या हुआ था, ये भी हुआ जनवरी में यूसुफ की हत्या हुई, तो ये मैं खास करके ये कहूँगा, प्रशासन से मांग करूँगा, मेरी प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक शहर का नागरिक होने के नाते मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि यहाँ पे दोनों तरफ पुलिस की गतिविधि बढ़ा दी जाए, इधर से चौकसी बढ़ा दी जाए, गश्ती बढ़ा दी जाए और सीसी कैमरा लगा दिया जाए कि कोई अपराधी बच ना पाए। क्योंकि कल की जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? श्याम बाबू तो उस तरह के कोई व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? पूर्व में भी इनके पर हमले किए गए, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि श्याम बाबू से चलते फिरते मेरी दुआ सलाम होती थी, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन हाँ किसी से आपसी रंजिश उनकी थी, जिसके वजह से वो दो बार उन्होंने उन पर हमला भी हुआ था, तो उन्होंने आवेदन दिया था, ये तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, अपराधी आज ना कल तो पुलिस के बच नहीं पाएंगे, ये तो मैं जानता हूं। उन्होंने जब कंप्लेन दिया था तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की थी आखिरकार? जिस पर उन्होंने आवेदन किया था, FIR किया था, उसके बारे में तो विशेष हमको जानकारी है नहीं, लेकिन मैं ये पुलिस से आग्रह करूंगा कि देखिए पुलिस अपराधी कितना बड़ा हो लेकिन कानून से बच नहीं सकता है। देखिए आपको बता दें कि कल श्याम बाबू की गोली मारकर हत्या जो की गई उसको लेकर के एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि आप रामराज मोड़ का जो इलाका है आप देख सकते हैं, पूरी तरह से काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ और दहशत के साए में यहाँ के जो व्यवसायी हैं या फिर निवासी हैं वो जीने को विवश हैं। कुछ हमारे साथ आम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे घटना हुई, क्या कुछ जानकारी है और क्या अब माहौल क्या है। देखिए जो भी हुआ है घटना वो गलत है, मेरा भतीजा है वो, मैं उसका अंकल हूँ मैं, और मैं यहाँ था नहीं, मैं अपने ससुराल गया हुआ था, मुझे मालूम है, मैं यहाँ आया, यहाँ लोग क्राइम हुआ, लोग भाग गए, अगर लोग जागरूक होते तो क्राइम करने वाला नहीं भागता, और वो नहा धोया गया अपना भाई रोजा था, ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस की नाकामी मैं ये कहता हूँ, क्राइम क्यों बढ़ता है, पुलिस की नाकामी, पुलिस अगर चाहे तो क्राइम हुआ कहीं कुछ नहीं होने वाला है, अगर पुलिस आई तो क्राइम कभी नहीं होगा सिवान में। अच्छा आप उनके चाचा हैं, हाँ। तो आखिरकार हत्या क्यों की गई है, क्या कुछ जानकारी है आप, क्या कारण? देखिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कहें कि मैं तो यहाँ रहता नहीं था 20 साल बाद। उनकी आपसी दुश्मनी, हाँ, क्योंकि इसके पूर्व में भी हमला किया गया था, हम लोग खबर भी बनाए, हाँ दो बार हमला हुआ है उन पर, और हमला हुआ है, लोग यहाँ पे वो रहता है, गाड़ी घोड़ा लगाते हैं, लोग मना करता है भीड़ मत लगाओ, इसलिए लोग क्यों ऐसा बोलता है, अरे तुम यहाँ द्वार पे गाड़ी लगाओगे तो कोई डांटेगा ना, गाड़ी मत लगाओ। गाड़ी लगाने के लिए भी घटना को अंजाम दिया सकते, ये भी हो सकता है, ये एकदम हैया, ये भी हो सकता है, चाहे वो गवाह बना हुआ है। किस मामले में? वो किसी हत्याकांड हुआ है उसमें भी हो सकता है, बहुत सारे मसले हैं, पुलिस ही काम है। तो प्रशासन से क्या उम्मीदें अब लगाए बैठे हैं आप इस घटना को लेकर के? भाई प्रशासन तो टाइट है, सिवान के SP साहब हैं, जो भी इंस्पेक्टर आए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये रिजल्ट निकलेगा। हाँ इसमें चलिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, आप लोग बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन रामराज मोड़ हो, स्टेशन रोड हो, कृष्णा सिनेमा हो, DAV मोड़ हो, ये अपराधियों का एक सेफ जोन होता जा रहा है, कल जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, अब आप लोग किस तरह से यहाँ पे क्या कुछ सोच करके आप यहाँ पे जी रहे हैं? प्रशासन तो हमेशा बोलती थी यहाँ पर पुलिस पैकेट बनाया जाएगा, आज तो पुलिस पैकेट नहीं बना, उस लड़के पर वो लड़का था, वैसे व्यक्ति लड़का था कि जो गरीबों को कमज़ोर को वो साथ देता था, मदद करने वाला, मदद करता जी, था जी, जी। और किसी का दमबगई नहीं चलता था उसके आगे, अच्छा। वो हमेशा इंसाफ वाला काम, जायज करता, यानी कुछ गलत अगर कोई करता हाँ, था तो उसे हाँ, वो और ये लोगों को नगवार नहीं, जो चोट्टा चुहार टाइप के आदमी हैं उनको ये उसके इंसाफ के आगे वो देखते थे कि इंसाफ करता है, इसलिए उसको टारगेट बनाया गया, उसको टारगेट बना कर ये सब किया गया। वो तो कुछ पहचान हो रही है कि आखिर पहचान होगी, प्रशासन पहचान नहीं है, प्रशासन क्या नहीं पहचानता है, प्रशासन हर कुछ पहचानता है। यूसुफ हत्याकांड में वो गवाह था, मुख्य गवाह था, आई विटनेस, इसलिए और हमेशा उसके दरवाजे पर गोली चला, वो लोग साजिश के तहत गोली लोग चलवाया,
अच्छा, आज देखा जा रहा है कि जो ये पॉश इलाका है, काफ़ी दुकानें खुली रहती हैं, कोचिंग संस्थान हैं, बच्चे आते जाते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है, क्यों? तब हत्या हुआ है जी, हत्या की वजह से लोग ये हुआ है। अच्छा, वो लड़का, एक लड़का बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो सबको मिलाकर चलता था, सबका दुख सुख में साथ देता था। कमजोर आदमी, कोई कमजोर आदमी को बोलता है तो उस पर चढ़ जाता था, अरे कमजोर आदमी है, उसको तुम क्यों बोल रहे हो? चलिए, तो ये आम लोग थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ के रहने वाले इनके पास पड़ोस के लोग हैं। अब इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जो श्याम बाबू की हत्या कल की गई थी, हालांकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया भी था। फिर से एक बार अब इनसे बात करेंगे कि अब बताइए कि कैसा माहौल, किस तरह का क्या है माहौल? कुछ कहने लायक नहीं है, इसलिए कि मेरे भाई रोजा थे, नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, देखने के लिए मेरे दुकान पे कौन है, कोई आया, आप बोला कि मुझे चिकन चाहिए, तो वैसे ही तौली लपेट के नहा के तुरंत आके देने के लिए, तब तक उनको गोली मार दिया गया। गोली मारने का रीजन ये है कि यूसुफ हत्याकांड में वो आई विटनेस गवाह है, एकदम श्योर है कि इसी को लेकर, इसी के लेकर मरवाया गया है उनको, कि उनका गवाही उनका ना हो पाए। अच्छा, और फिरोज खान जो है, उन गवाही तो अभी हुई नहीं है इनकी, अभी हुई नहीं है, तभी मरवा दिया गया। पुलिस जो केस हुआ था उसमें ही गवाह है? हाँ, पुलिस जो केस किया है उसमें गवाह है। अच्छा, और फिरोज खान जो है उनके केस में भी, फिरौती का जो केस, फिरोज खान जो रंगदारी का जो मामला था, जो कि कॉलेज वाले, हाँ कॉलेज वाले में भी गवाह है वो, इसलिए उनको मरवा दिया गया, यही मसला है। शंका की सुई किस पे है आपकी? शंका क्या है, एकदम क्लीन चिट है, अपना प्रशासन अपना काम करे, हमको तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हमारा भाई दो दो केस में गवाह है, इसीलिए मरवा दिया जाए उनको। इसके पूर्व में भी हमला किए गए थे आपके भाई पे? जी हुआ था, दो बार हुआ है, दोनों बार उसी के तहत हुआ है। अच्छा, कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए, ये यहाँ पे अपना जो भी तीन बेटी है उनका एक बेटा है, वो अपना चिकन काट के अपना जो भी अपना काम धंधा, अपना टेम्पू चलवा के अपना 2 रुपया अपना कमा के अपना लड़का पैका के हाँ घर चलाते थे, जिसमें सब लोग 10 आदमी खाने वाला है। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और ये मांग इसलिए है कि उनको इंसाफ मिले, जो मर गए हैं उनको इंसाफ मिले, कि दो दो मामले में वो गवाह है, इसलिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग जब गवाह बने थे तो प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोगों को सुरक्षा नहीं दिया गया था? सुरक्षा एक दिन दो दिन मिलेगा, रोज थोड़ी मिलेगा सुरक्षा, एक दो दिन मिला, जो यूसुफ हत्याकांड हुआ था 2-3 दिन तक पुलिस हम लोगों के घर पे छावनी बना के रखा हुआ था। तो अब तो सौ इनका रखा गया है, कब इनको ये अंतिम संस्कार इनका? ये अभी 1:30 बजे हो जाएगा। इस पे जांच बैठा है, जांच बैठा के जल्द से जल्द इस पे केस बनाकर उस पे केस ला दे, जावेद अहमद का और श्याम बाबू का। आप अपना नाम बता दें? मेरा नाम मोहम्मद भोला हुआ। देखिए, मोहम्मद भोला है जो कि श्याम बाबू के ये भाई हैं, कल भी इनसे हमारी बातचीत अस्पताल में हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांति बट ब्रिक्स से लेकर के और स्टेशन रोड तक का जो इलाका है, ये पॉश इलाका है, और इसके बावजूद यहाँ पे अपराधियों का एक सेफ जोन बन गया है। जो भी हत्याएं हुई है इसी इलाके में हुई है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका आरोप है कि जो चश्मदीद गवाह थे श्याम बाबू यूसुफ हत्याकांड में, या फिर फिरोज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लर्क हैं, उनसे रंगदारी मांगी गई थी उस मामले में, तो इनको कहीं ना कहीं संदेह है कि उसी को लेकर हत्या की गई है। हालांकि यह पुलिस के जांच के बाद ही सब कुछ पता चल सकेगा कि आखिरकार श्याम बाबू की हत्या क्यों और किसके द्वारा कराई गई है। हालांकि सिवान के एसपी ने कहा है कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब देखना यह होगा कि सिवान की पुलिस श्याम बाबू के हत्यारों तक कब तक पहुँच पाती है। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।